आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। दक्षिण भारत में शिक्षा का नया आयाम खड़ा करने के बाद अब शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिहार में भी प्रवेश कर चुका है। मुफ्त में शिक्षा देने वाले इस ग्रुप ने 32 वर्ष पूर्व महज 17 छात्र के साथ अपने संस्था की शुरुआत की थी, जहां से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS तो तैयार किए ही हैं। इसके साथ साथ इस्लामिक पढ़ाई में भी संस्थान ने परचम लहराया है। बिहार में पटना से संस्थान की शुरुआत गत वर्ष की गई है, जिसके तहत पूर्णिया में एक संस्थान ने एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कादिर ने मौजूद सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि ये संस्थान मुफ्त में पढ़ाई, होस्टल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध कराती है, जहां न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के विभिन्न देशों से बच्चे पढ़ने आते हैं। देश भर में कुल 50 संस्थान शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के हैं, जहाँ मुफ्त में शिक्षा मिलती है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य है गरीब व असहाय मेधावी छात्रों को शिक्षा देकर उनके सपनों को पूरा करना। बीते नीट की परीक्षा में संस्थान के छात्र ने टॉपर की श्रेणी में अपना स्थान बनाया है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कर्नाटक के शहर बीदर में 25 साल से का मौका दिखाना है और तकरीबन 50 के करीब हमारी ब्रांचेस इंडिया भर में काम कर रही हैं। और आज हम पूर्णिया में शहर में मौजूद हैं। आज सुबह कटिहार में और पूर्णिया में आज एक बड़ी तादाद में नौजवान और जिम्मेदार अधिकारियों ने तालीम के मैदान में जमा हुए थे और यहाँ पर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मुख्तलिफ प्रोग्राम यानी नीट की कोचिंग सिलसिले में और हिजुल कुरान प्लस प्रोग्राम जो हमारा बहुत ही मारूफ प्रोग्राम है उसके तालुबंद और बिहार के विकास के लिए हम खास तौर पर उनको असली तालीम से जुड़ने के लिए इंतजार करते हैं। बैंगलोर और कनकपुरा में, हैदराबाद में, बीदर में उपवास के लिए नए सेंटर शुरू हो रहे हैं। जो उपवास जो कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गए थे उनको असली तालीम से जोड़ने में हमारा एक तरीक़ार बना है और अलहमदिल्ला इसके बेहतरीन नतज चल रहे हैं। और उपवास जो कभी स्कूल नहीं गए थे वो गवर्नमेंट मेडिकल सीट गवर्नमेंट कॉलेज में हासिल करते हुए डॉक्टर बन चुके हैं और हिंदुस्तान भर में 400 ऐसे मराकज़ हों, क्योंकि ये हुफाज यकीनन जहीन होते हैं, ये हुफाज अहमती होते हैं और ये बदलेंगे तो दुनिया को बदल के रख देंगे। ये इनके साथ नाइंसाफी होती आई है, उनको टेलर बनाने की बात 60-70 साल से होती आई है, जबकि ये IAS, IPS डॉक्टर, इंजीनियर बनने की सलाहियत रखते हैं और ये कुछ ना बन सके तो कम से कम डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर किसी कंपनी के पटू के ऑफिस के बन ही जाएंगे और इसको हम कामयाबी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम उलमाए कराम इस बात से मुत्तफिक हैं और वो बीदर पहुँचे, इसको मुशाहिदा करें और उनकी ख्वाहिश है कि ये हिफ्ज़ुल कुरान प्लस का प्रोग्राम आलम के कोने कोने में आम हो जाए, फैल जाए और उपवास के लिए 100% तक रियायत के साथ हम मुआफ़े दे रहे हैं। वैसे 36,000 रुपीज़ पर ईयर फूड अकोमोडेशन के साथ उपवास के लिए तय है और उपवास के लिए रमजान के बाद एडमिशन जारी है। उपवास हमारी वेबसाइट shaheengroup.org पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मेडिकल का प्रिपरेशन के लिए ख्वाहिशमंद लड़के लड़कियों के लिए हमारे पास प्रॉपर क्लास चलता है और पटना में फैसल अली खान साहब के निगरानी में बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग सेंटर कैंपस हम बनाए हैं। वहाँ पर टीचर का माहौल, इंस्ट्रक्शन फ्री माहौल, मोबाइल फ्री, ऑटोमोबाइल फ्री, को एजुकेशन फ्री और ट्यूशन फ्री माहौल जो टीचर में बना है उस माहौल को पटना में हम लाए हैं और उस माहौल को उन घर में फैलाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। गरीब बच्चों को किस तरह की सुविधा मिलेगी? अरे उपवास के लिए तो बहुत खुशी प्रोग्राम है और यतीम ऐसी बच्चों के लिए सरकार के मुस्तर बच्चों के लिए कंसेशन दिया जाता है, लेकिन खास तौर पर बिहार के उपवास को हम तरजीह देंगे। ऐसे उपवास तो कभी कुछ नहीं पड़े हैं, कभी इसको ट्यूशन नहीं देते हैं और सिर्फ हाफिज हैं, वो हम 3 साल में ग्रेजुएशन तक पहुँचाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस नौजवानों को हम यही हमारा जो है रिक्वेस्ट है कि इस्लामी तहजीब की हिफाजत करें, माँ बाप की बात सुनें, अल्लाह से डरें और अपने माँ बाप के लिए सवाब जारिया का जरिया बने।
उनकी नजात का जरिया बने, अपने आमाल से उनके दर्जों को बुलंद करें, माँ बाप उनकी आँखों की रोशनियाँ बने, और यकीन इनको ये एहसास होना चाहिए कि वो माँ बाप खुश हैं तो अल्लाह खुश है, और शैतान खुश करते हुए माँ बाप आज नौजवान बड़ी माँ बाप औलाद के लिए बड़े फिक्रमंद हैं, और ख़ास तौर पर ये 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक के मरहले में औलाद के लिए ख़ास तौर पर तालीम की तरबियत और डिस्ट्रैक्शन से बचाना, रियाज से बचाना, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल दौरान से बचे रहना नस्ल के लिए ज़रूरी है। बच्चे मेहनत करें और इज्जत की ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाएँ। लड़कियाँ पढ़ रही हैं और लड़के यूनिवर्सिटी से खाली होने जा रही हैं, शायद बेटियों को एहसास है कि इज्जत की ज़िंदगी गुजारने के लिए हाईली क्वालिफाइड बनना ज़रूरी है, और लड़कों में ये एहसास कम होता जा रहा है। अगर ये तनासुब ऐसा ही चलता रहा तो खानदानी निज़ाम दरहम बरहम होने के अंदेशे हैं, इसलिए लड़कों को पढ़ने का माहौल बनाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब्दुल खदीर, फाउंडर चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कर्नाटक। इंस्टीट्यूशन 17 बच्चों के साथ शुरू हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान तक बल्कि गल्फ के 7 कंट्रीज के स्टूडेंट आकर यहाँ पर बेनिफिट ले रहे हैं, और हम नस्ल को अच्छा पाक और साफ माहौल देना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचाना चाहते हैं, और मदरसे का माहौल हो और बेहतरीन सी तालीम हो, एक माहौल एक कल्चर पर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर चेयरमैन जनाब अब्दुल कदीर साहब तशरीफ लाए हैं, और शाहीन का एक नया ब्रांच बिहार पटना में शुरू किया गया है, तशरीफ लाए हैं, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जिस स्टैंडर्ड के साथ शाहीन बिजन चल रहा है उसी स्टैंडर्ड के साथ, उसी एकेडमिक्स के साथ, उसी माहौल के साथ पटना के अंदर भी शाहीन के ब्रांच की शुरुआत हो चुकी है, क्लासेस चल रही है, और इस साल से हम लोग 11th में बच्चों का एडमिशन जो 2 साल के लिए ले रहे हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी और इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं उनको हम लोग 2 साल के लिए 11th 10th जो बच्चे इस साल देंगे उनको लेंगे, और जो बच्चे 12th भी दे चुके हैं उनको 1 साल के लिए टारगेट बैच के लिए हम लोग इंशाल्लाह ताला इस बार से लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो एकेडमिक की टीम है और जो हमारा माहौल है, हमारा जो अकोमोडेशन है, फूड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो बच्चों के लिए बहुत ही कारामद है और बहुत ही मददगार साबित होगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में शाहीन बिहार के अंदर एक नुमाया काम करेगा, और बच्चे पूरे बिहार से, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में शाहीन के बच्चे बिहार से चले गए।